राम राम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एग्रो ट्रिक पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक खेती के बारे में मतलब जैविक खेती के बारे में बात करेंगे कि जैविक गेहूं कैसे पैदा करें। आजकल आप देख रहे होंगे कि अपने शरीर में कितनी बीमारियां फैल रही है। इन बीमारियों का कारण एक ही है, कुपोषित भोजन, मतलब कि दूषित भोजन जो रासायनिक धान से हम भोजन करते हैं, उन्हीं भोजन के कारण आज हमारा जो जीवन है वो संकट में है। दोस्तों, जितनी बीमारियां फैल रही है अपने शरीर में वो सब दूषित भोजन की वजह से हैं। तो आज हम बताएंगे कि गेहूं जैविक तरीके से कैसे पैदा करें जिससे अपने को इन बीमारियों से निजात मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए गेहूँ की खेत की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना गेहूँ का खेत है। फ्रेंड्स, ये गेहूँ मैंने अपने तरीके से मतलब जैविक तरीके से ये मैंने बोया है। इसमें कोई भी रासायनिक चीज़ मैंने नहीं डाली है खेत में। इसको बोने के लिए सबसे पहले आप ज़मीन को पिलाऊ काटिए। पिलाऊ काटने के बाद में जैसी भी हो आप उस पर पिलाऊ काट दीजिए। पिलाऊ काटने के बाद में कल्टीवेटर चला के और पाटा लगा दीजिए। दोस्तों, पाटा लगाने के बाद में आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट खाद है तो आप 2 टन से 3 टन प्रति हेक्टर की दर से वो डाल दीजिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो सड़ी गली हुई गोबर की खाद, अच्छी तरह से सड़ी गली हुई होनी चाहिए दोस्तों, न कि गरंडी नहीं होनी चाहिए जिससे अपने खेत में दीमक का प्रकोप बढ़ जाए। तो आप सड़ी गली हुई गोबर की खाद 20 से 30 टन प्रति हेक्टर की दर से डाल दीजिए। फ्रेंड्स, डालने के बाद में कल्टीवेटर लगा के पाटा लगा के और पड़ाव कर दीजिए। पड़ाव अच्छी तरह से गच पड़ाव कीजिए। फ्रेंड्स, पड़ाव करने के बाद में आप बीज को उपचारित कीजिए। बीज को उपचारित करने के लिए आप रासायनिक कोई दवाई ना मिलाएं दोस्तों। इसमें जो नीम की फली आती है उसका जो तेल आता है नीम का तेल, उससे आप बीज को उपचारित कीजिए। उपचारित करने के बाद में आप 14-15 किलो प्रति कच्ची बीघा के हिसाब से आप गेहूं को बीज दीजिए। बीजने के बाद में आप 20 से 25 दिन के जब गेहूं हो जाए आपके, तब आप उपाड़ के गेहूं को देख लीजिए। नीचे अगर फुटाण होने लग जाती है गेहूं की तो उस टाइम पे आप कोरपाण कर दीजिए। कोरपाण करने के बाद में आप कम से कम 30 से 45 दिन के लगभग हो जाए गेहूं आपके, तो उसका निराई गुड़ाई कर दीजिए, खरपतवार निकाल दीजिए। निकालने के बाद में आप सुचारू रूप से इसकी सिंचाई चालू रखिए। आवश्यकता अनुसार लगभग 10 पानी पीते हैं गेहूं। और आप गेहूं की वैरायटी 3077 बोइए। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वैरायटी है। मैं कहता हूं आप जैविक खेती करने के बाद भी फसल आपकी कमज़ोर नहीं रहेगी, रासायनिक फसल से भी अच्छी होगी पैदावार आपकी। लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से आपके गेहूं निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, तो आप इस प्रकार आप जैविक खेती कीजिए, खुद का परिवार सुखी रखिए और जो बेचते हैं और जो खरीदते हैं उनका परिवार भी इन बीमारियों से मुक्त रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप मैं कहता हूं जैविक खेती शुरू कर दीजिए, तभी आगे जाके अपना धीरे धीरे ये बढ़ेगा और बीमारियों से निजात मिलेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।